हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के कुछ के विषय में। फ्रेंड्स, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने में से कितने आंसर सही हुए, और आपको ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताना है। सो फ्रेंड्स, कुछ को अटेम्प्ट कीजिए और नेक्स्ट कुछ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से वन आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार इन चार ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। यानी कि आपको बताना है कि टीक और साल जिस जंगल के मुख्य वृक्ष होते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आद सदाबहार वन के रूप में, शुष्क पतझड़ी वन के रूप में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन के रूप में, ऑप्शन डी है शुष्क सदाबहार वन के रूप में। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती या पतझड़ी वन के रूप में। तो टीक और साल जो वृक्ष होते हैं वो उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन के रूप में यानी कि ऐसे वनों में के प्रधान वृक्ष होते हैं। और अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो ये ऐसे वन होते हैं जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। उसे उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन कहा जाता है। और इन वनों के प्रमुख वृक्ष जो हैं वो साल, सागौन, टीक, शीशम, चंदन आदि हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, हिमालय, राजस्थान। तो आपको इसमें से बताना है कि भारत में मुख्यतः शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। और भारत में शंकुधारी वन हिमालय पर्वत पर काफ़ी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? आपके ऑप्शन है हिमालय, पश्चिम घाट, मध्य भारत, असम तथा मेघालय। तो आपको बताना है कि टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर पैदा होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि मध्य भारत। तो टीक बहुतायत में मध्य भारत में पैदा होती है। टीक व साल उष्णकटिबंधीय आद पर्णपाती वनों के पौधे होते हैं, और ये वृक्ष मध्य भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। यानी कि आपको बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन कहाँ पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है पश्चिमी घाट में, ताप्ती और नर्मदा के बीच में, गोदावरी के उत्तर पूर्व में, मालवा पठार में। तो आपको बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है, चलिए देखते हैं, पश्चिमी घाट में। तो भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और अगर हम भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें, तो सदाबहार
वनों का विस्तार भारत में तीन क्षेत्रों में पाया जाता है। एक तो आपका पश्चिमी घाट हो जाता है, एक आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत में जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका शांत घाटी सही होता है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। और अगर हम शांत घाटी की बात करें तो शांत घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में अवस्थित है, और यह भारत की सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, कर्नाटक। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य या प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल संलेख यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ओजोन अवक्षय, परमाणु शास्त्र, बारूदी सुरंग, समुद्र तट। तो आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही होता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन अवक्षय से, यानी कि ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल पे साइन हुए थे, और यह वायुमंडल में स्थित ओजोन क्षरण को लेकर विश्व के राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन द्वारा जारी घोषणा पत्र को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से किस पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से, यानी कि चार राज्यों में से किसमें सबसे अधिक संख्या में पशु मौजूद हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पशु, यानी कि पशुओं की संख्या सर्वाधिक इन चार ऑप्शंस में से या चार राज्यों में से मध्य प्रदेश में है। और अगर हम भारत में पशुधन में अग्रणी राज्य की बात करें तो अग्रणी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, जहाँ भारत के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग के अनुसार 3,93,80,000 पशु हैं, और उपयुक्त राज्यों के अनुसार
यानी कि उपयुक्त राज्यों में अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश नंबर एक पे आता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को नेक्स्ट क्विज के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्विज के साथ। थैंक यू।